हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध पर लगे हुए चिकित्सा अधिकारियों को 150% ग्रेड पे को बंद किए जाने पर हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ के समर्थन में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन हमीरपुर ने काले बिल्ले लगाकर अपना कामकाज निपटाया। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि डॉक्टरों के वेतन को काटना तर्कसंगत नहीं है और इसका वे विरोध करते हैं। ये मुहिम जो है, जो हमारी ब्लैक बैचेस की मुहिम है, ये हम स्टेट HMO की जो कॉल आई थी हमें, उसके लिए हम इसकी सॉलिडारिटी के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। और विषय ये था कि जो हमारे डॉक्टर्स की ग्रेड पे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर थे उनकी ग्रेड पे में कमी कर दी गई है और बाकी जो स्टेट के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज थे उनका स्टेटस वैसे ही मेंटेन रखा गया है। तो हम इसको बिल्कुल तर्कसंगत नहीं मान रहे हैं। इस टाइम में, कोरोना के पैंडमिक के टाइम में, आप डॉक्टर्स की और हेल्थ जो सर्विसेज दे रहे हैं उनकी आप अगर पे इस तरह से कम करेंगे तो ये बहुत ही गलत सा मैसेज आएगा और उनको काफ़ी हतोत्साहित करेगा ये हम डॉक्टर्स को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। आगे जो है वो स्टेट एसोसिएशन HMO के साथ और विभिन्न रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के साथ मिलकर जो है नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचा जाएगा। ये भी अगर थोड़े दिन पेन डाउन स्ट्राइक या इस तरह के कदम उठाने पड़ जाएँ तो वो भी उठाने पड़ सकते हैं अगर सरकार जल्दी ना मानी। मैं पूछना चाहूँगा सरकार को कि एक तरफ तो उन्होंने, आप देखिए कि आपके जो पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा जैसे, वो डॉक्टर्स को डबल पे कर रहे हैं इस टाइम में और आप इस टाइम में जो डॉक्टर्स की पे को घटा रहे हो तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। काइंडली डिसीजन पे ठीक कीजिए, वर्क अपॉन कीजिए और आई होप हम कुछ सरकार से एक बेटर रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। वहीं कोरोना काल में डॉक्टर के ग्रेड पे पर चली कैंची को लेकर घमासान मच गया है। मामले को लेकर युवा मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टर्स ने मंगलवार सुबह रीजनल अस्पताल ऊना में काले बिल्ले लगाकर सरकार के फैसले पर विरोध जताते हुए रोष प्रदर्शन किया। ऐसा है सर, जैसे कोरोना का जैसे चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, उसमें जितने डॉक्टर्स हैं वो सब दिन रात मिलके काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। पीपी किट में तो डालनी मुश्किल है फिर भी कर रहे हैं, ठीक है। उसमें बाकी गवर्नमेंट जहाँ पे डॉक्टर्स को सपोर्ट कर रही है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने सैलरी इंक्रीज की है या इंसेंटिव दिए हैं, वहीं पर हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो सैलरी है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर्स हैं, जो नए बच्चे हैं जो भर्ती हो रहे हैं, उनकी उतनी सैलरी वो काट रहे हैं। ना इसका कोई हमें रीज़न दिया गया है प्रॉपर कि क्यों काट रहे हैं, ठीक है। जो इनका दिल है वैसे कर रहे हैं। अगर सेवाएं, अगर सैलरी नहीं काटनी, जरूरी नहीं बढ़ानी नहीं है, आपने इंसेंटिव नहीं देने हैं तो उतनी रखो, पर जो दिन रात सेवा कर रहे हैं उनके साथ ऐसा मत कीजिए। वहीं आगामी दिनों में भी काले बिल्ले लगाकर ही अस्पताल में काम करते हुए सरकार के निर्णय पर अपना विरोध दर्ज कराने का फैसला लिया है। डॉक्टर ने मामला न सुलझने के चलते 9 अगस्त से पेन डाउन हड़ताल की भी चेतावनी दे डाली है। याद रहे कि प्रदेश में अनुबंध पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को 150% ग्रेड पे नहीं दिए जाने पर हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने मोर्चा खोल रखा है। एसोसिएशन की तरफ से अभी तक हमें यही बोला है कि हमें पेन डाउन स्ट्राइक करने हैं 8-9 तारीख के बाद, अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉजिटिव वे में फीडबैक नहीं मिलता है तब तक के लिए सर हम यही करेंगे, काले बिल्ले लगा के ही काम करेंगे। हम सुविधाएं बंद नहीं करेंगे, जो हमारा काम है वो हम करेंगे। इसके लिए हमें जो जिसके लिए हमने नौकरी की है वो तो हम करेंगे, पर ऐसा नहीं करेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट में हम कुछ कर दें और ख़राब हो जाए काम। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।